Hello everyone, welcome to Raja Yes Study Group. So today is Wednesday, I am Drishti, and as the series have been continuing, Wednesdays ko hum cover karte hain aapka static ka Himachal related portion and Saturdays ko we cover your current affairs related portion. तो आज है आपकी एच पी जी के की क्लास 15th. आई होप आप सब ने टाइमली फॉर्म भर दिया होगा एंड जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया होगा डिवाइडिंग योर सिलेबस इनटू पर्टिकुलर पार्ट्स, राइट. सो आज की क्लास शुरू करते हैं. लेट्स डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस पेपर दैट वी डिस्कस्ड ऑन लास्ट वेंसडे. ठीक है जी, तो आइए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग्स द फॉलोइंग वर द टू लाइफ एक्सपर्ट्स हु वर मेन फोर्स. बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, उस साल न्यूज़ में था इसलिए आया. हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप हिमाचल्स फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सलरोपा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सलरोपा है कहाँ पे. सलरोपा लाइज इन कुल्लू. ठीक है, सो दिस इज वॉट इज बींग टॉक्ड अबाउट हेयर इज कुल्लू. नाउ आपको यहाँ पे अ कपल ऑफ आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इज कर्नल नेपियर एंड डोनाल्ड मैक्लीड. योर ऑप्शन बी इज हेनरी हार्डिंग्स एंड ह्यूगो. योर ऑप्शन सी इज फ्रांसिस बिनर एंड टी एच वॉकर. एंड योर ऑप्शन डी इज विलियम फिंच एंड थॉमस कोरियाट. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. सी, हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. सो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो. तो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका करेक्ट आंसर सोचने की कोशिश करिए. इफ़ यू नो अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स अ गुड वे टू लर्न. ए, जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ोगे तब ही आपको हेल्प करेगा. बी, क्वेश्चंस देयर इज़ अ वेरी गुड चांस काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू हाउ यू हैव टू इवॉल्व इन द पेपर, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस बुनर एंड टी एच वॉकर. ठीक है, सो जो आपका बर्ड रिंगिंग स्टेशन है एशिया में फर्स्ट वन हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड इन द वेस्टर्न हिमालयाज एंड दैट लाइज इन कुल्लू. जो आपका वैली नेशनल पार्क है वहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया है. कपल ऑफ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में. नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट एवर बर्ड रिंगिंग स्टेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट एवर बर्ड रिंगिंग स्टेशन. बर्ड रिंगिंग का मतलब क्या है, वहाँ पे बर्ड वॉचिंग होती है, बर्ड्स की स्टडीज़ होती है, उनको सेग्रीगेट करके वेरियस क्लासेस वेरियस स्पीशीज़ में फिर वहाँ पे उनको स्टडी करा जाता है एंड उनका फॉर्मेटिवली एक फिर वो सेंसस का पार्ट बनते हैं आगे जाके. ठीक है, एंड ये सेट करा है किसने, वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन वेस्टर्न हिमालयाज. ठीक है, नाउ जो डॉक्टर फ्रांसिस बुनर हैं ये हैं अ सीनियर कॉन्जर्वेशन साइंटिस्ट ऑफ गेम एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन ट्रस्ट इन यूनाइटेड किंगडम. एंड टी एच वॉकर जो हैं ये ब्रिटिश ट्रस्ट ऑफ ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स. ठीक है, बी टी ओ ये है अ लाइसेंस सीनियर बर्ड रिंगर एंड ट्रेनर. तो दे बोथ हैव इम्पार्टेड योर इंटेंसिव एजुकेशन. जो इंटेंसिव ट्रेनिंग है दोनों वाइल्ड लाइफ स्टाफ को, किसमें, बर्ड रिंगिंग और बर्ड आइडेंटिफिकेशन स्किल्स हैं इसमें. सो ये आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे न्यूज़ था, तो वहाँ से HPPSC ने ये वाला क्वेश्चन उठाया था. ठीक है जी, नाउ लेट्स गेट टू योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे. द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट ईमू ब्रीडिंग फार्म ऑफ HP सेटअप बाय अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ईजी वे विथ. ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईमू क्या है, फिर आपको एज यूजुअल जो करंट अफेयर्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है स्टेट में. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज गंडवाल इन ऊना, देन ज्योरी इन शिमला. योर ऑप्शन सी इज पौंटा साहिब इन सिरमौर. सॉरी अबाउट दिस, पौंटा साहिब इन सिरमौर. एंड डी इज ज्वाली इन कांगड़ा. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज गंडवाल इन ऊना. सो अगर आप ईमू की बात करो, सो दिस इज ईमू. मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ. सो दिस इज योर ईमू. ईमू इज बेसिकली जो है आपकी, इट्स एन फ्लाइट बर्ड. ठीक है, दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन बर्ड. ऑस्ट्रेलियन बर्ड है एंड इट रिजेंबल्स वेरी मच टू ऑस्ट्रिच.
इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स एंड काव्स एवर पॉसिबल. इसका जो मीट है वो बहुत ज़्यादा बिकता है. ऑल्सो द एग्स दे गेट सोल्ड फॉर अ वेरी हाई रेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स बोथ. तो इसका पहला ब्रीडिंग फार्म हैज़ बिन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, गंडवाल इन ऊना में. ठीक है, अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ द सेम. नाउ लेट्स गेट बैक टू योर थर्ड क्वेश्चन. योर थर्ड क्वेश्चन इज, आफ्टर एन इंटेंसिव रिसर्च एंड सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लाइकली टू इमर्ज एज पिस्टाशियोज बोल ऑफ द स्टेट. ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए पिस्टाशियो क्या है. आई होप एवरी वन नोज इट. सो पिस्टाशियोज आर ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन कलर के होते हैं, नट होते हैं, केसिंग के अंदर आता है. आई डोंट थिंक सो, जिसको हम हिंदी में पिस्ता बोलते हैं, ये सबको पता होगा. नाउ यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए लाहौल स्पीति, बी ऊना, सी कांगड़ा, डी किन्नौर. ठीक है, आप दो सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. सी, अगर आपको इसका आंसर पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप एलिमिनेशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हो. लाहौल एंड स्पीति मेजरली इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है. ऊना, ऊना का अगर आप ज्योग्राफिकल क्लाइमेट देखो तो दैट इज मोर ऑफ, थोड़ा सा अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की रेंज में आता है. ठीक है, सो ऊना वैसे कहाँ कैंसिल हो जाता है. कांगड़ा में अगर आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपके पास, टी एस्टेट्स हैं. ठीक है, टी एस्टेट्स एंड फ्रूट्स हैं, तो कांगड़ा वैसे कैंसिल हो जाता है. बचा क्या आपके पास, डी किन्नौर. किन्नौर इज़ वैसे भी फेमस फॉर जो आपके टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, किन्नौर अफगानिस्तान, ये सेम टेम्परेचर ज्योग्राफिकल बेल्ट में आते हैं. सो एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे. द आंसर इज डी किन्नौर. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सो दिस इज़ योर पिस्ताशियो, दिस इज़ द रॉ फ्रूट पेड़ पे कैसे लगता है, एंड दिस इज़ द प्रोसेस्ड बाई प्रोडक्ट जो आपको रोस्टिंग करके मिलता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ हिमाचल में, किन्नौर में द कंडीशंस हैव बीन फाउंड टू बी फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पिस्ताशियोज. तो अल्टीमेटली पिस्ताशियो बोल ऑफ द स्टेट कौन निकल के आया है, किन्नौर. ठीक है जी, पिस्ताशियो हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हीलिंग प्रॉपर्टीज़, इट इज़ यूज एज अ स्नैक. ठीक है, स्वीट्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, एंड इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट ऑल टुगेदर. राइट, नाउ लेट्स गेट टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन. राइट, सुपरिटेंडेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन हु सेट अप दिल्ली टी एस्टेट इन 1852. अच्छा, टी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल यूपीएससी में भी आया था. टी लैंड बिल अभी पास हुआ है, सो दिस होल्ड्स अनदर डिफरेंट इम्पॉर्टेंस फॉर नाउ. राइट, तो आपके पास चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मेजर स्ट्रॉट, देन डॉक्टर जेम्सन, सी इज एलेक्जेंडर काउट, या फिर डी है आपका सैमुअल स्टोक्स. तो आप दो सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, योर आंसर इज डॉक्टर जेम्सन. नाउ डॉक्टर जेम्सन की आप बात करो तो 1852 में ही इस्टेब्लिश्ड योर बॉटनिकल टी गार्डन एंड डेली टी एस्टेट. एंड अगर आप देखो द एक्सटेंसिव टी, इनिशियली इट वॉज नॉट ग्रोन इन इंडिया, लेकिन अगर आप द ट्रैवलिंग देखो, जो टी का पौधा लाया गया इंडिया में एंड प्लांट करा गया वैलीज में, वैलीज में कहाँ कहाँ प्लांट करा गया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वैलीज हैं वहाँ प्लांट करा गया, देन दून वैली में, देहरादून में देर आर टी कल्टिवेशंस, एंड हिमाचल के कुछ सेग्रीगेटेड एरियाज में जहाँ पे टी प्लांट करी गई वहाँ पे द प्लांट थ्राइव्ड एंड इट शोड एग्जेम्पलरीली रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इट थ्राइव्ड एंड कांगड़ा टी को पर्टिकुलर GI टैग मिला हुआ है. एंड जिनको टी के बारे में आइडिया है, द पीपल हुज पैलेट्स आर रिफाइंड, दे कैन रिकग्नाइज कांगड़ा टी होल्ड्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, बड़ा वुडी सा फ्लेवर होता है उसका. सो तब से लेके एक लेगेसी कॉन्टिन्यूड है, एंड वी ओ इट टू डॉक्टर जेम्सन. ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं. नाउ डॉक्टर जेम्सन जो हैं आपके, इन्होंने बनाया था दिल्ली टी एस्टेट, जैसे मैंने आपको बता दिया. नाउ अगेन द प्लांट थ्राइव्ड डिस्पाइट सफरिंग अ ह्यूज डील. राइट, एंड गवर्नमेंट अल्टीमेटली, दिस एंकरेज्ड गवर्नमेंट कि हम जो टी कल्टिवेशन है इंडिया में, टी बिजनेस है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका था, टी का. सो दैट वॉज अ वेरी हाई
प्राइज्ड कमोडिटी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पुश्ड टूवर्ड्स इट. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फोर्थ क्वेश्चन. नाउ लेट्स गेट टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? What is the name of the web-based software implemented by Department of Transport of Himachal Pradesh for issuing driving license? ठीक है, आपके पास चार options हैं. अच्छा, ये this app और this web-based जो आपकी technology है, this is not just being used by just the Department of Himachal Pradesh, but it has been used all over India. So ये थोड़ा सा tricky question है, combined question है. Now चार options हैं आपके पास. वाहन, बी इज सारथी, सी इज साथी, डी इज सहयोगी. आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सारथी. सो दिस इज योर सारथी. मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ. सो सारथी इज परिवहन सेवा अप्लाई ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस ऐप. इट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. नाउ लेट्स गेट अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बींग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसन. ठीक है, पर्टिकुलर रिवर बेसन की बात हो रही है यहाँ पे. कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर दैन 1200 पंचायत्स. ठीक है, 1200 पंचायत कवर कर रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. एंड ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे से आया है. इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है. द फोर ऑप्शंस विद यू आर रावी, सतलुज, ब्यास एंड चिनाब. राइट, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका आंसर सोच के देखिए. अच्छा, इसका आंसर ना आपको डायरेक्ट नहीं पता, तो आप थोड़े से आइडिया से हिमाचल में जिसका मेजर कैचमेंट एरिया है वहां से इसका आंसर डराइव कर सकते हैं. राइट, सो योर करेक्ट आंसर इज रिवर ब्यास. सो रिवर ब्यास का अगर आप देखो, पोंग लेक से होते हुए सारा एक मेजर कैचमेंट एरिया बनता है अपर हिमाचल में आपका, सॉरी जो मिडिल हिमाचल है उसमें. सो वहाँ से क्वेश्चन आया था एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कम फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. दिस इज द रीज़न आई हैव बिन ट्राइंग कि हम चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे करें, ताकि आपके जो मेजर 4-5 क्वेश्चन निकल के आएंगे ये मिस ना हो. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस केम इन 1817. ये क्वेश्चन आपका बलोखरा से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है. अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देती हूँ तो यू विल नो द आंसर. ठीक है, सो उस डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है. सो इसमें देर इज़ नॉट मच टू एक्सप्लेन. आई होप आपने बलोखरा अच्छे से कवर करी है, या फिर जो आपको हम कंपाइल्ड नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आपने पढ़ा होगा. राइट, 1817 फ्रॉम द डायरी ऑफ अ स्कॉटिश ऑफिसर ब्रदर्स. आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ए धर्मशाला, बी शिमला, सी कसौली, डी सुबाथू. राइट, तो इसका करेक्ट आंसर आप प्लीज सोचिए एंड मार्क करिए. एंड योर करेक्ट आंसर इज बी शिमला. ठीक है, सो शिमला का मेंशन आया, स्कॉटिश ब्रदर्स थे उनकी पहली डायरी में. एंड रेफरेंस इसका आपको कहाँ और मिलता है, जेम्स विल्स करके हुए हैं, उन्होंने बुक लिखी थी 1817 में, उसमें मेंशन आया पहली बार इंडिया एंड शिमला का. राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज रेलीगेटेड टू सेकेंड पोजिशन बाय लाहौल स्पीति बाय अचीविंग द हाइएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इन पोटेटोज. राइट, तो ये क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था उस ईयर के. एंड इसका चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए बेल्जियम, बी स्पेन, सी नेदरलैंड्स, डी फ्रांस. इसका भी अगर आप चाहो, आपको थोड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आइडिया है, तो हिमाचल का और कौन सी कंट्री का अगर आप क्लाइमेटिकल कंडीशन सेम देखो, वहाँ से आप इसका आंसर एलिमिनेट करके निकाल सकते हो. एंड योर करेक्ट आंसर इज सी नेदरलैंड्स. ठीक है, तो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था उस साल का, तो आपको ये आंसर आता होगा. अदरवाइज ज्योग्राफी में इफ़ यू कुड मेक सेंस, सो इट वॉज क्वाइट ईजी टू डिटेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग आर द नेम्स गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो आपको हिंदी के टर्म्स दिए हुए हैं, पहाड़ी लोकल डायलेक्ट के टर्म्स दिए हुए हैं, ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग. सो आपको चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. चार ऑप्शंस आपके क्या हैं, लोकल डीटीज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, देन वैलीज ऑफ लाहौल एंड स्पीति. योर सी ऑप्शन इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना. एंड डी पॉइंट जो आपका डी ऑप्शन है, दैट इज योर माउंटेन पीक्स इन सांगला वैली. राइट,
सो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, बिकॉज ये जस्ट स्टेट न्यूज़ में नहीं, दिस वॉज एन इंटरनेशनल न्यूज़ फॉर अ गुड नंबर ऑफ रीजन्स, राइट. द करेक्ट आंसर इज, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ न्यूज़ में क्यों था. नाउ द आंसर इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ विलेज खाप ऑफ मलाना. खाप, आई होप आपको पता होगा, खाप पंचायत भी होती है. सो खाप इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एक विलेज का सेटअप होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, जुडिशियल सेटअप होता है, उसको खाप बोलते हैं. नाउ मलाना इज फेमस फॉर समथिंग एल्स एंटायरली विच इंस्टेंटली क्लिक्स टू द माइंड. ठीक है, बेस्ट क्वालिटी हशीश मिलती है वहाँ पे. पीपल हु आर इन टू ड्रग्स एंड रिक्रिएशनल मेडिसिंस, उनको पता है इसके बारे में. आई होप एवरी वन नोज इट बिकॉज कमिंग फ्रॉम हिमाचल. बट मलाना इज ऑल्सो फेमस फॉर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए फेमस है. एंड जो वहाँ का पूरा आपका सेटअप है, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है. सो कनिष्ठांग एंड ज्येष्ठांग, ये दो वर्ड से बना है. ज्येष्ठ अगर आप वैसे भी देखो, सी ज्येष्ठ जो बोलते हैं ये बड़े भाई को बोलते हैं, एंड कनिष्ठ अगर आपको पता हो हिंदी में, अगर आपको फिंगर्स के नेम पता हो, सो दिस इज कॉल्ड योर कनिष्ठिका, द लिटिल फिंगर. ठीक है, सो आप यहाँ से देखो, सो ज्येष्ठ इज द एल्डर वन, अपर हाउस, एंड कनिष्ठा इज द यंगर वन, द स्मॉलर वन, जिसको बोलते हैं कनिष्ठांग. सो देवतों का कॉन्सेप्ट है हिमाचल में, सबको पता होगा. ठीक है, वी डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ वन पर्टिकुलर गॉड, हिमाचल में देवतों का कंसेप्ट है. एंड ये पर्टिकुलर थिंग वॉज इन न्यूज़ बिकॉज उस पर्टिकुलर ईयर में जो वहाँ के लोकल डीटी हैं उनको ट्रिगर करा गया था. द डीटीज नेम इज दमलू. ठीक है, दमलू महाराज को उस टाइम पे ट्रिगर करा गया एंड दे डिसाइडेड, द ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग इन्होंने मिलके डिसाइड करा कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टूरिज्म, एक्सेसिव फॉरेनर्स कमिंग इनटू हिमाचल, उनका जो लोकल कल्चर है वो बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है. सो दे बैंड ऑल द गेस्ट हाउसेज, ऑल द टूरिज़म, जो भी उनका इनर सर्कल में इम्पैक्ट कर रहा था उसको उन्होंने टोटली बैन कर दिया था. सो ये इसलिए न्यूज़ में था एंड वहाँ से एग्ज़ाम में आया था. ठीक है, मलाना इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेज इन द वर्ल्ड ऑल टुगेदर. इट इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज़ नोन टू मैनकाइंड. एंड वहाँ पे आज भी दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर रूल्स एंड दे डू नॉट लाइक कि बाहर से आके कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ पे हो, राइट. तो वहाँ की जो इनिशियल पॉलिटी है दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड. ठीक है जी, नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सॉरी अबाउट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रगेड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. आपके पास चार ऑप्शन हैं. योर ऑप्शन ए इज टडोंग वैली, बी इज बासपा वैली, सी इज भाबा वैली, डी इज लिप्पा वैली, राइट. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आया ये भी बलोखरा से है. अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टडोंग वैली के बारे में नहीं मिलेगा बिकॉज ये ना कोर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं हिमाचल के, जिनके बारे में लोगों को पता लग रहा है. एंथ्रोपोजेनिक सिग्नेचर्स वहाँ पे इस टाइम बढ़ने शुरू हो गए हैं एंड पीपल ऑफ हिमाचल आर स्टिल ट्राइंग कि वो अपना जो ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, नेचर है, उसको प्रिजर्व करके रखें, राइट. तो आपके इसके चार ऑप्शंस हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ए टडोंग वैली. सो टडोंग वैली जो है इट फॉर्म्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जब आप किन्नर कैलाश की यात्रा करते हो, सात कैलाश है हिमाचल में, आई होप एवरी वन नोज इट. सो जब किन्नर कैलाश की यात्रा करते हो, जब आप उसकी परिक्रमा करते हो, तो टडोंग वैली तब आती है बीच में. थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं उसके बारे में. द डिटेल्स आर अगैन जो परिक्रमा सर्किट है, ठीक है, द परिक्रमा जो राउंड परिक्रमा होती है उसका जो सर्किट है, होली किन्नौर कैलाश का पीक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चरांग विलेज इन टडोंग वैली एंड इट एंड्स इन चितकुल. ठीक है, चितकुल लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट हैबिटेबल पॉइंट है विलेज ऑफ बासपा वैली. ठीक है, नाउ जो चारांगला है जिसको हम चरांग चितकुल पास बोलते हैं, ठीक है, लास्ट स्टैंड्स फॉर पास इन टिबेटियन. ठीक है, जो लामा लैंग्वेज है उसमें लास्ट स्टैंड्स फॉर योर पासेस. सो हम बोलते हैं रोहतांग पास, बट इफ यू टॉक विद टिबेटियंस जो लामाज होंगे, सो दे कॉल इट ला, इट्स रोहतांग ला, जेमू ला, ठीक है, शिप की ला. तो ला इज़ बेसिकली द वर्ड फॉर पासिस.
नाउ चितकुल पास है, दिस फॉर्म्स अ ड्रेनेज डिवाइड बिटवीन टडोंग एंड बसपा वैली ऑफ सांगला वैली ऑफ किन्नौर. सो किन्नौर इटसेल्फ में आप देखो कितनी सारी वैलीज हैं. टूरिज्म में ओनली फ्यू वैलीज आर नोन टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स जो पहाड़ को नहीं बिलोंग करते हैं. बट देर आर इन नंबर ऑफ वैलीज दैट आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड अननोन टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया, राइट. नाउ टडोंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्यों है, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. दिस इज अ वेरी क्रूशियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिकॉज विंटर्स में फ्रोजन रहता है सारा कुछ. तो दिस फॉर्म्स एन इनिशियल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज अ 100 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. किस पे बना हुआ है? ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर पे बना हुआ है इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट. सो दीज वर द डिटेल्स अबाउट टडोंग. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ओपरा फेस्टिवल. ओपरा क्या है? ओपरा इज बेसिकली अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन. ओपरा इवॉल्व फ्रॉम इटली. अगर आप इटालियन में देखो सो ओपरा इज सेट टू बी, इतनी शार्प वॉइस होती है ओपरा सिंगर्स की दैट दे कैन ब्रेक अ ग्लास, ठीक है, साउंड वाइब्रेशन से कांच को तोड़ सकते हैं. ओपरा इज दैट इंटेंसिव. एंड ओपरा के बारे में ये फेमस है कि ईदर यू विल लव ओपरा और यू विल हेट ओपरा, देर इज नथिंग इन बिटवीन. ईदर यू अंडरस्टैंड इट एंड इट इज़ नॉट एन एक्वायर्ड टेस्ट लाइक मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर, डांस फॉर्म्स यू कैन अक्वायर इट, बट ईदर यू लव ओपरा, इट कम्स फ्रॉम योर सोल, ऑल योर हेट ओपरा, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन वट काइंड ऑफ म्यूजिकल और लिटरेचर जो इंक्लिनेशन है आपकी वो है. नाउ चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक. नाउ वट इज़ द नेम ऑफ ओपरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड बाय द टीपा. टीपा इज तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स at McLeodganj and was annual feature in Lhasa prior to 1959. ठीक है, इसके चार options दिए हैं आपको. A लोसार. अच्छा लोसार तो वैसे ही eliminate हो जाता है because लोसार does not lie in McLeodganj. ठीक है, तो लोसार festival अपने आप में famous है. It is famous for what? Tibetans का ही है but it is famous for what? Buddhist जो influence है उसके ऊपर आता है. So लोसार आपका eliminate हो जाता है. Then B is Shonton. D is Thanka, D is Dajur. So, I hope आपको इसका आंसर पता है. नहीं पता तो आप दो सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए एंड इसका आंसर देखते हैं क्या है. तो करेक्ट आंसर इज B Shonton. सो टीपा की अगर हम बात करें सो टीपा स्टैंड फॉर, दिस इज द ऑफिशियल साइट जहाँ पे टीपा इज सिचुएटेड. इट इज तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैक्लियोडगंज में है. कहाँ पे? धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा. एंड दिस इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860. तो ये ब्रिटिशर्स वाला जो एक्ट है, सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860, तब से इस्टेब्लिश है. नाउ दिस इज इंटरेस्टेड, टीपा का बेसिक फंक्शन क्या है? विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दे हैव टू प्रिजर्व एंड प्रमोट तिब्बत एंशियंट एंड यूनिक कल्चर विच इंक्लूड्स इट्स म्यूजिकल हेरिटेज एज वेल. ठीक है, टीपा की कपल ऑफ और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. तो इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली दिस वॉज फाउंड बाय हिज होलीनेस जो 14th दलाई लामा हुए हैं आपके. ठीक है, व्हेन ही रीच्ड कालिमपोंग इन अगस्त 1959. ठीक है, तो तब इन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी. एनुअल जो 10 डे आपका शॉन्टॉन फेस्टिवल है, सो एक फेस्टिवल है पूरा जिसको बोलते हैं हम शॉन्टॉन फेस्टिवल. ये ऑर्गेनाइज होता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? टीपा. एंड इट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से इसमें लोग आते हैं, जिसमें 11 ओपरा ट्रूप्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड नेपाल ये पार्टिसिपेट करती हैं. एंड मेजर टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं जो बुद्धिस्ट हैं या तिब्बतियन लोग हैं. ठीक है, बोथ कल्चर्स का यहाँ पे अमालगमेशन आपको देखने को मिलेगा. सो दे कम एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस होल कनुंड्रम. ठीक है जी, आई होप इतना क्लियर है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड एट पथिहार एंड कनिहारा. ये क्वेश्चन आपका बलोखरा से है. आई होप आप अपना जो स्टैटिक GS का जो स्टैटिक आपका हिमाचल का पार्ट है उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. योर फोर ऑप्शन आर ए ब्राह्मी, बी खारोष्टी, सी पाली एंड डी शारदा, राइट. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? योर आंसर इज ब्राह्मी. सो दिस इज योर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज योर ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा
आपकी वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में काफ़ी आपको मिली थी ये। नाउ ब्राह्मी अगर आप राइटिंग सिस्टम देखो तो इट बिलोंग्स टू योर एंशियंट साउथ एशिया एंड इट अपीयर्ड एज फुली डेवलप्ड स्क्रिप्ट इन 3rd century BC। तो अगर आप मौर्यन एज में देखो तो ये वहाँ का पार्ट थी। नाउ राइटिंग सिस्टम है ये, बहुत ज़्यादा इसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ है, माइनर एवोल्यूशन हुआ है इसमें मौर्यन पीरियड में। एंड जो आपका गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड था ये वहाँ तक चला टिल 4th century। एंड इसको बोला जाता है कि एज लेट एज 4th century में लिटरेट पर्सन कुड स्टिल रीड एंड अंडरस्टैंड मौर्यन इंस्क्रिप्शंस। तो बेसिकली अगर आप ब्राह्मी देखो तो दिस हैज़ बिन इंक्लूडेड इन योर मौर्यन इंस्क्रिप्शंस। आफ्टर दैट केपेबिलिटी टू रीड ओरिजिनल ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा जाता है दैट वॉज लॉस्ट। आज भी वी आर ट्राइंग टू मेक आउट कि क्या डिफरेंसेज हैं इसके बीच में, बट अगर आप होल सोल नॉलेज देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की तो दैट हैज़ बिन लॉस्ट। राइट, नाउ लेट्स कम टू आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आपको लिस्ट मैच करनी है। ए साइड आपको फोक डांसर्स या सॉन्ग्स के नाम दिए हुए हैं, बी साइड आपको लिस्ट टू में प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। अगेन द ट्रिक इज, यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ 5 ऑप्शन है। एक बार देख लेते हैं क्या नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कयांग, बी सेकेंड इज झांझर, थर्ड वन इज कीकली एंड भांगड़ा एंड फोर्थ वन इज झूरी। ठीक है, इधर क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ए इज सिरमौर, बी इज ऊना, सी इज चंबा, डी इज लाहौल एंड ई इज किन्नौर। राइट, सो आपको ये लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दी हुई है। नाउ सॉरी अबाउट दिस, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दी हुई है, मैं 2 सेकेंड के लिए साइड हो जाती हूँ, प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए। नाउ आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, योर ऑप्शंस आर कोड्स ई ए डी सी, बी इज ई सी बी ए, सी इज डी सी बी ए एंड डी इज ए सी बी डी। राइट, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए, इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करिए, ये एलिमिनेशन से बहुत ईजिली निकल सकता है। ठीक है, एंड योर करेक्ट आंसर इज ई सी बी ए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है आपका। सो इट सेज ई सी बी ए। ठीक है, सो कयांग जो है आपका दिस इज फ्रॉम किन्नौर, झांझर इज फ्रॉम चंबा, दिस इज पर्टिकुलरली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गद्दी वुमेन। नाउ कीकली एंड भांगड़ा, दिस इज बेसिकली द पंजाब इम्पैक्ट, द पंजाब हिल स्टेट इम्पैक्ट दैट यू सी इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। एंड झूरी इज फ्रॉम सिरमौर, झूरी इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम झूमर डांस। ठीक है, सो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं सबके बारे में क्या है। नाउ दिस इज योर कयांग माला, सो कयांग माला में थोड़ा साइड हो जाती हूँ। अगर आप देखोगे ये हाथों में हाथ डाल के वुमेन आर डांसिंग, दे आर हेविली ड्रेस्ड एंड ये एक माला जैसा बनाते हैं, तो दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ किन्नौर। नाउ कयांग माला की आप बात करो तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया गार्लैंड माला वाला पैटर्न बनता है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड टर्म बट दिस इज हाउ इट इज, हाथ में हाथ डाल के इफ यू सी द आर्म्स आर इंटरक्लोज्ड। ठीक है, हाथ पकड़ते हैं एंड द आर्म्स आर इंटरक्लोज्ड एंड ये एक स्लो डांस है वेर यू रिवॉल्व अराउंड विद बीट्स एंड ड्रम्स प्लेइंग एंड उसके साथ साथ द डांस है ये पूरा कमेमोरेट होता है। नाउ ये डांस स्टार्ट करने से पहले देर इज अ लोकल ड्रिंक कॉल्ड छंग, उसको पिया जाता है एंड देन द सेलिब्रेशंस दे आर बिगिन। नाउ सेकेंड अगर आप बात करो तो हम बात करते हैं झूमर की। सो झूरी जो है दिस कम्स इन योर सिरमौर, सो दिस इज़ द सेटअप। नाउ झूरी जो है दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर लवर और बिलवड एंड इट इज़ सेट टू बी कनेक्टेड फ्रॉम झूमर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आता है ये। झूमर में बेसिकली फीमेल डांस है लेकिन बोथ मेन एंड वुमेन दे टेक पार्ट इन इट। इसमें दे सिंग एंड डांस टू झूरी, जो डांस है ये परफॉर्म करा जाता है ओपन में एंड इट इज़ समथिंग ऑफ अ सटायर। ठीक है, समथिंग ऑफ वो जो नोक झोंक चलती है दैट इज़ बेसिकली जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव होता है विद अदर काउंटर पार्ट्स। सी प्लीज़ डोंट टेक दिस पर्टिकुलर वर्ड इन ए नेगेटिव डेरोगेटरी मैनर। जो नोक झोंक चलती है आपस में विद इन द नेबर्स या एक कुनबे में आपके, ये उसको सिग्निफाई करता है।
ठीक है. सो दिस इज नॉट डेरोगेटरी और नेगेटिव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द स्क्रिप्ट हाउ इट इज पुट इन इंग्लिश. ठीक है. द लव विच इज नॉट बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ बट इन अ कम्युनिटी ऑल टुगेदर. ठीक है, ये उसको सिग्निफाई करता है. नाउ योर नेक्स्ट ऑप्शन, द नेक्स्ट आंसर. नाउ अगेन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, एंड इसकी एक स्पेशल अपनी रिदम होती है. हर पीस में चार लाइनें होती हैं एंड जो लास्ट सिलेबल है वो इस लाइन का, दैट इज प्रोनाउंस एंड ड्रॉन आउट ऑफ फैशन. झूरी जो है आपका, ये ग्रेट इम्पॉर्टेंस है बेसिकली राइमिंग पैटर्न के अंदर. नाउ अगर आप नेक्स्ट जो बात करते हैं, दैट इज योर चंबा डांस. नाउ बेसिकली दिस इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय वुमेन. आप देख सकते हो कितनी हेविली ड्रेस्ड है. द कोर इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, दैट इज ये आठ क्लैप्स जो होती हैं, आठ तालियां जो होती हैं आपकी, उसकी बीट्स में चलता है. एंड देर आर कपल ऑफ अदर डांसेस जो गद्दी वेमेन के लिए इंटीग्रल पार्ट हैं, दैट इज घुरेई, डांगी, सीकरी एंड दंडरास. जो आपका दंडरास है, दैट इज बेसिकली आपका जो इसको लिंक करा जाता है, दैट इज विद द तांडव ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर हैं. अगर कोई भी डाउट है, यू कैन मेंशन देम इन कॉमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन आर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच. वी विल मीट ऑन सैटरडे अगैन. बाय बाय.